नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड के ऊपर। तो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रांडिंग के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार से हम एनिमल की पहचान टैटूइंग से करते हैं, टैगिंग से करते हैं, ईयर नॉचिंग से करते हैं, उसी प्रकार ब्रांडिंग भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम एनिमल की पहचान करते हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से ब्रांडिंग की जाती है, कितने प्रकार की होती है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कोई किसान हैं, कोई वेटनरी के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांडिंग होती क्या है। तो दोस्तों, ब्रांडिंग एक ऐसा सिंबल होता है या ऐसा नंबर होता है जिसको हम इम्प्रिंट करते हैं एनिमल की स्किन के ऊपर, और दोस्तों वो परमानेंट इम्प्रेशन हो जाता है जिससे हम एनिमल की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन होती है ब्रांडिंग करने की। तो दोस्तों, एनिमल के शोल्डर पर, चीक्स के ऊपर, हाइंड आर्म, फो आर्म पर हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि कितने प्रकार की ब्रांडिंग होती है। दोस्तों, तीन प्रकार की ब्रांडिंग होती है, हॉट ब्रांडिंग, कोल्ड ब्रांडिंग और केमिकल ब्रांडिंग। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हॉट ब्रांडिंग क्या होती है। दोस्तों, हॉट ब्रांडिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रांडिंग आयरन की, एंटीसेप्टिक की, आपको रस्सी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और दोस्तों, सबसे पहले आपको एनिमल को पूरी तरह से सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के बाद आपको उस एरिया को बिल्कुल साफ़ कर लेना है, बिल्कुल वहाँ के बाल वगैरह काट लेने हैं जिस साइड पर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ब्रांडिंग आयरन लेना है। दोस्तों, ब्रांडिंग आयरन लेने के बाद आपको उस ब्रांडिंग आयरन पर जो भी नंबर या सिंबल है उसको अटैच करना है। उसको अटैच करने के बाद उस ब्रांडिंग आयरन को आपको आग पर रख देना है। जब वो बिल्कुल लाल हो जाए तो दोस्तों उस ब्रांडिंग आयरन को अप्लाई करना है एनिमल की स्किन के ऊपर 2 या 3 सेकेंड के लिए, और आप देखोगे कि एक इम्प्रेशन बन जाएगा, एक एनिमल के चिन्हित हो जाएगा जो भी आप मार्क्स या मार्क लगाना चाहते हैं, तो एक परमानेंट इम्प्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं या टिंचर आयोडीन भी आप वहां पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई हॉट ब्रांडिंग की बात। अब बात करते हैं कि कोल्ड ब्रांडिंग क्या होती है। दोस्तों, कोल्ड ब्रांडिंग को फ्रिजी ब्रांडिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये ब्रांडिंग जो होती है इसमें भी आपको एनिमल को पूरी तरह से सिक्योर कर लेना है, उस एरिया को क्लिप कर लेना है जहाँ पर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं, और जिस एरिया पे आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं वहाँ पर आपको 20 से 30 सेकंड के लिए अल्कोहल को अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपको ब्रांडिंग आयरन लेना है और उसको डिप करना है लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और दोस्तों, उसके बाद आपको उसको जब आप वो उसमें डाल देंगे तो उसके बाद आपको निकालना है उस ब्रांडिंग आयरन को, अप्लाई करना है एनिमल की स्किन के ऊपर, और आप देखोगे कि एनिमल की स्किन के ऊपर मार्क आ जाएगा। दोस्तों, ये हो गई कोल्ड ब्रांडिंग। अब बात करते हैं केमिकल ब्रांडिंग की। दोस्तों, इसको काफ़ी कम यूज़ में लाया जाता है। दोस्तों, इसमें आपको ब्रांडिंग आयरन लेना है, उसको डिप करना है ब्रांडिंग इंक में और ब्रांडिंग इंक को रिमूव होने देना है, और उसके बाद उसको आपको अप्लाई करना है एनिमल की स्किन के ऊपर उस इंक वाले ब्रांडिंग आयरन को, और आप देखोगे कि जो मार्क्स आपने लिया है वो अप्लाई हो जाएगा एनिमल की स्किन के ऊपर। तो दोस्तों, ये तीन मेथड थे ब्रांडिंग करने के और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के। ठीक है गाइज़।